जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियकरेस से मौत हो गई है। गुरुवार शाम करीब 8:30 बजे मुख्तार की जेल में तबियत बिगड़ी थी। मुख्तार को उल्टी की शिकायत थी और बेहोशी की हालत में उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। तुरंत ही 9 डॉक्टर्स की टीम की तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन डॉक्टरों के काफी प्रयास के बाद भी कार्डियकरेस से मुख्तार की मौत हो गई। रात करीब 10:30 बजे प्रशासन ने मुख्तार की मौत की सूचना सार्वजनिक की। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी अंकुर अग्रवाल कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मंडली कारागार पहुंचे थे। करीब 40 मिनट तक अधिकारी जेल के भीतर रहे। इसके बाद मुख्तार को एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस मऊ और गाजीपुर में फ्लैग मार्च कर रही है। मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज और बांदा जेल के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। डॉक्टरों का 3 पैनल मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम करेगा, उसके बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मुख्तार के परिजन उससे मिलने मेडिकल कॉलेज आए थे, लेकिन सिर्फ अफजल अंसारी ही उससे मिल पाया था, जिसके बाद उमर अंसारी ने लोकल प्रशासन सहित सरकार पर जेल में मारने के गंभीर आरोप लगाए थे, सुरक्षा पर सवाल खड़े किए थे। खुद मुख्तार ने भी जेल प्रशासन पर खुद को खाने में स्लो पॉइजन देने के आरोप लगाए थे। फिर तबियत खराब होने के बाद उसे दुर्गावती मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहां उसकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। इसके बाद उसे वापस बांदा जेल भेज दिया गया था।